ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। क्या है ना मम्मी जी, कल गणो अच्छो मुहूर्त है, सूरज उगेगा और चांद अस्त होगा। अरे तो ये कौन सी बात है, रोज ही सूरज उगता है, रोज ही चांद अस्त होता है। आंगन के लैम, आंगन के लैम, कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा। कितनी कितनी मेहनत से मैंने वो लेपर्ड प्रिंट वाली सेक्सी सी ड्रेस खरीदी थी। ब्यूटीफुल आई वुड हैव लुक्ड इन दैट, मगर जानबूझ के वो मॉल वालों ने मेरी शॉपिंग बैग एक्सचेंज कर दी। I'm gonna kill them. भैया सब कुछ वेस्ट हो गया। अरे भाभी जी, वेस्ट में तो मारे ताऊ की छोरी गई थी। हाँ वो मुंबई में होग रहे ना ईस्ट और वेस्ट। तो क्या रमन भैया? अरे तो के भाभी जी, बेचारी ईस्ट और वेस्ट के चक्कर में ना बावली होगी। इसने बावला, I mean, पागल होने की क्या बात है? हुआ यो कि एक बार वो है ना ट्रेन से मुंबई उतरी, उसे जाना था अंधेरी वेस्ट, और उसने पूछा कि भाई अंधेरी वेस्ट कहाँ पड़ेगा। तो उसे बताया गया कि भाई जो पटरी होती है ना ट्रेन की, पटरी के एक तरफ वेस्ट है और एक तरफ ईस्ट है। अब मान लो यो पटरी है। अरे भाभी जी, पटरी के बीच में क्यों खड़ी हो, ट्रेन आ रही है पीछे देखो। तो उसे जाना था अंधेरी वेस्ट में। अब उसने पूछा कैसे जाऊं, तो उसे बताया कि भाई तुम है ना यहाँ पे एक ब्रिज है जो थोड़ा पटरी से ना दूर हो गए। अब उसे किसी ने बताया कि पटरियों के ऊपर चढ़ो, यानी कि सीढ़ियों के ऊपर चढ़ो और उस तरफ उतर जाओ तो वेस्ट आ जाएगा। अब बेचारे ने यही किया, वो ऐसे ब्रिज की तरफ गई और चढ़ने लगी। जैसे ब्रिज पे टीटी ने पकड़ लिया। अब टीटी बोला, देवी जी फाइन लगेगा हाँ ब्रिज के ऊपर चढ़ने का। फाइन तो लगेगा, मुझे तो है ना अंधेरी वेस्ट जाना है। देवी जी, अगर आपको अंधेरी वेस्ट जाना है ना तो आप उधर से घूम के आइए। अगर मुझे वेस्ट में जाना है तो मैं ईस्ट से घूम के क्यों आऊंगी? देवी जी ज्यादा सियाणी मत बनिए, जल्दी से फाइन निकालिए बस, फिर भाभी जी पूछो मत। बेचारी ने जैसे तैसे फाइन देके अपना पीछा छुड़ाया और वो पटरी चढ़ के है ना, पटरी नहीं कहने का मतलब ब्रिज चढ़ के है ना, जैसे ही वो वेस्ट में ऐसे उतरी ना, और उसने दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा तो उसे पता चला वो बेचारी ईस्ट में। क्या? पर कैसे? अरे भाभी जी यही तो बता रहा हूँ, उस बिचारी को है ना ईस्ट है ना वेस्ट में मिला था। ओहो रमन भैया, एनीवेज ये मुंबई शहर में बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। यो तो है। अरे भाभी जी तो कुछ भी ना, एक बार है ना मैं ईस्ट ढूंढ रहा था, ढूंढते है ना मेरा सारा टाइम वेस्ट होगा और मुझे ईस्ट है ना साउथ में मिला था। क्या? अरे भाभी जी कहने का मतलब यो है कि मैं ईस्ट ढूंढते है ना साउथ इंडिया पहुंच गया था। ओहो रमन भैया, हाउ डम एंड स्टुपिड यू कैन बी, आप भी ना बिल्कुल विशाल जैसे हैं। अरे ट्रेन की एक तरफ ईस्ट होता है और एक तरफ वेस्ट होता है। बाय द वे, आप कहाँ खड़े, आपको वेस्ट में नहीं होना चाहिए था। हाँ भाभी जी, लो भैया ट्रेन आ जाइए पीछे। अरे भाभी जी जान बचा ली, शुक्रिया। अरे भैया आप भी ना, कहाँ किन बातों में मुझे उलझा देते हैं। मैं शॉपिंग बैग्स का क्या करूं? अरे भाभी जी करना क्या है, और शॉपिंग कर लो। अरे भैया ऐसे थोड़ी ना होता है, विशाल को ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा अगर मैं अपने पापा के पैसे खर्चा करूंगी तो, वो नाराज हो जाएगा अगर मैं अपने पापा के पैसों से ऐश करूंगी तो। हाँ और वैसे भी विशाल है ना ऐश करने के लिए। अरे भाभी जी तो कुछ भी ना, ऐश तो रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी करे करती थी, अपने पापा के पैसे तो उड़ा कर रही थी, साथ में दूसरों के पापा के पैसे भी उड़ा कर रही थी। दूसरों के क्यों? अरे भाभी जी कहने का मतलब यू है कि जो उसके बॉयफ्रेंड थे ना बेचारे, एक नंबर के बावली पूछ और एकदम करके, उनकी जेब में पैसा नहीं होता था। वो पता है क्या कर रहे थे, वो अपने पापा की जेब में से पैसे निकाल के है ना उसके ऊपर उड़ा कर रहे थे और उसे शॉपिंग करा कर रहे थे। भैया इनफ, मैं अब आपको मार डालूंगी। यू नो व्हाट, मैं खुद ही फोन करती हूँ, मैं खुद ही शॉपिंग मॉल में फोन करती हूँ, पता लगाती हूँ कि मेरे बैग्स कहाँ हैं। हेलो कनकन शॉपिंग मॉल, यस मैं सिमरन बोल रही हूँ। क्या अभी तक आपका आदमी नहीं आया? अरे मैंने पहले भी फोन किया था, तब आपने कहा था कि आधे घंटे में आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। देखिए मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप चुपचाप मेरे बैग आप मुझे लौटा दीजिए। एक तो आपने अपनी शॉप में मेरे बैग किसी और को दे दिए और किसी और के बैग आपने मुझे दे दिए,
Dirty clothes, horrible clothes. चुपचाप आप मेरे बैग्स वापस कर दीजिए, वरना वरना आप नहीं जानते मैं कहां तक जा सकती हूँ. मैं पुलिस में जाऊंगी, मैं डीसीपी तक जाऊंगी, मैं एसीपी तक जाऊंगी, मैं कमिश्नर तक जाऊंगी. तुरंत मुझे फोन कीजिए आप. ओके. अब आपने कहा नहीं रमन भैया कि आपकी ताऊ की लड़की तो अमेरिकन पुलिस तक जाती थी? अरे सच्ची में भाभी जी, पर आपको कैसे पता? ओह गॉड रमन भैया, स्टॉप इट. वैसे इन लोग जानते नहीं कि मेरे पापा ना प्राइम मिनिस्टर तक को जानते हैं. अरे भाभी जी, हो तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी है ना, ओसामो को भी जानती थी. अरे भाभी जी, हो तो कुछ भी ना, शटअप तो रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी बोला करती थी. एक कुछ शटअप बोला कर रही थी और 15-20 चुप हो जा कर रहे थे. भाभी जी, ईस्ट में वेस्ट में? वेस्ट में. आउट भैया, वेस्ट. ईस्ट में. भाभी जी, ताऊ की छोरी की तरह कंफ्यूज हो गया मैं, ईस्ट वेस्ट के चक्कर में. जाओ विशाल, कल पिक्चर जाना है. ओके रुको. होली है, कितना मजा आता है होली. फिर हमारी छोटे छोटे दो बच्चे बच्चे चिंटू के साथ खेलेंगे. बच्चे कहाँ से आ गए? रुको, बहुत मजा आएगा. ये नींद में बात कर रही. चल बेटा विशाल, काम पे लग जा. ये तो आराम से सो रही है, डरा दिया. अब जब मैं इन कपड़ों को फट्टे फट्टे कर दूंगा, फिर देखता हूं कि रुक्कू कैसे इन्हें जाके अट्टे वट्टे करती है. इसीलिए कहते हैं कि आग पानी और विषु से कभी मत कहला. आग जलाता है, पानी डुबोता है और विषु तड़पाता है. इससे पहले कि रुकू जग जाए, इस बैग को जला देता हूं. डिपार्टमेंट, मैं तो पहले ही कहती थी कि अदला बदली कर दो. है? अब जल गए ना सब. अरे क्या हुआ, कपड़े जल गए तो जल गए, कपड़े ही तो है ना यार, कोई सोना थोड़ी जला. जिसके कपड़े ये वापस देकर वो अपने कपड़े लाने देना, मतलब वो अटल्या वटिया क्या था तुम्हारा, वो करना था ना, उसे नए कपड़े खरीद के दे देंगे यार. कपड़े ही जले हैं. आप क्या पहनोगे? मैं ये उस लड़की के कपड़े क्यों पहनूंगा?
इस बैग में उस लड़की के नहीं आपके कपड़े थे। क्या? ये मेरे कपड़े थे? लेकिन ये तो वो शॉपिंग बैग थे ना जो तुम्हारे अटे वटे हो गए थे। वो विशु क्या हुआ ना, मुझे थोड़ा सा लालच आ गया था। मुझे बहुत पसंद आई थी ये थैलियां, फूल वाली, मजबूत, टिकाऊ एकदम। तो मैंने सोचा आपके जितने भी फेवरेट कपड़े थे ना, वो मैंने सब इस थैली में डाल दिया। और अपने गैस की टंकी के नीचे जब कुचड़ पुचड़ पड़ा ना, फटी टूटी, तो मैंने सोचा उसके कपड़े उसमें डाल के उसको दे दूंगी। मुझे यकीन हो गया, इंसान की किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता। पगला दीवाना हो। विशाल, ये क्या कर रहा है? इससे खेलने में बहुत मजा आता है। और अपने कैच क्यों पकड़ा? अगर ये नीचे गिर जाता तो और भी मजा आता मालूम। चलो कैच कैच खेलते हैं। मैं बच्चों के साथ नहीं खेलता। तो बड़े के साथ खेलने के लिए भी तुझे भी बड़ा होना पड़ेगा विशाल। अरे सुनिए जी, मैंने भी बड़े पते पे छोड़ी दो नी, जटे हमारा कपड़ा अटे वटे वे गया था तो लेने आई जाऊं। क्या रुको तुम भी, कहा तुम रोज ये अदला बदली के चक्कर में पड़ी रहती हो? सोसाइटी में किसी को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? कई इज्जत रह जाएगा सोसाइटी में? विशाल की बीवी फलाने के घर जाके कपड़े एक्सचेंज करवाती फिरती है। तो अणी में गलत कही वेगी हो? अरे गलत है, मैं अपने ऊपर वालों को क्या जवाब दूंगा? विशाल, तेरी बीवी कपड़ा चेंज कर रही है तो तेरे को ऊपर वाले को क्या जवाब देने का? ऊपर वाले को मतलब रुकू, मेरे से ऊपर जो ऑफिस में काम करते हैं ना मेरे सुपीरियर, उनको क्या जवाब दूंगा मैं? वो कहेंगे कि 2-5 हजार के लिए विशाल की बीवी कपड़े एक्सचेंज करवाती फिरती है। रुको, तुम इतनी सारी फिल्में देखती हो, आज तक तुमने किसी फिल्म में देखा है कि कोई हीरोइन जाके कपड़े बदलवा रही हो? हाँ नहीं तो फिर तुम भी तो मेरे घर की हीरोइन ही हो ना, किसी को पता चल गया तो। पर मैं थोड़ी किसी को बताने जा रही हूँ कि मैं कपड़ा इधर उधर कर रही हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम किसी को नहीं बताओगी, फिर भी लोगों को तो पता चल ही जाता है ना। कैसे? दुनिया बहुत छोटी है रुकू। अब ये बताओ, सलमान खान और कतरीना कैफ का ब्रेकअप हो गया, ये सबको पता है? ये बात क्या उन्होंने खुद जाके सबको बताई? नहीं तो फिर भी पता तो चली गया ना। ये बात तो बिल्कुल सच्ची है। हाँ, तो तुम्हारी अदला बदली वाली बात भी सबको पता चल जाएगी, फिर क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? देखो रुकू, तुमने अगर अदला बदली की तो तुम्हें मेरी कसम। अरे भाई, आपकी कसम मत दो मैंने, क्योंकि कपड़ा से ज्यादा आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट मतलब कि महत्वपूर्ण हो। अच्छा, इम्पोर्टेंट। देखो ये महत्वपूर्ण बात तुम किसी और को जाके मत बताना, वरना मेरा कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है जी, आपने कह दिया ना, मतलब बस। थैंक गॉड, तुमने मुझे बचा लिया। रुको, बचा लिया? हाँ, मतलब लोगों की नजरों से गिरने से बचा लिया। अब मैं लोगों को शांत से जाके कहूंगा कि मेरी बीवी रुको जाके महंगे महंगे कपड़े खरीदती जरूर है, लेकिन फिर से वो कपड़े अदला बदली करने के लिए कभी नहीं जाती। ए, हटा। क्यों? रुकू, जाना। क्यों? मेरे लाल, पीले, नीले, गुलाबी। I love you. छोड़िए जी, दरवाजे की घंटी है ये भी ना। गलत टाइम पे कौन आ जाता है? अरे खोलिए ना, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? कुछ नहीं, वो दरवाजा अटक गया, खुल नहीं रहा है। कभी दरवाजे क्यों नहीं खोल रही हो? पता नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, खुल ही नहीं रहा है। देखो थरी ने कुंडी जो लगी हुई तो कैसे खोल रहा? अरे मत खुलो। हाय, आई एम सिमरन।
यू रिमेम्बर, आई मीन आपको याद है मॉल में हमारे बैग एक्सचेंज हो गए थे? अच्छा, आप ही वो? पधारो पधारो पधारो, मेरा मतलब है आइए आइए। ओह थैंक यू सो मच। अरे सुनिए जी, हमारे कपड़ों का बैग अटे वटे नहीं भेगी तो वसिमरन भाई आइए। हाँ तो फिर से बैग अटे वटे कर लो और इन्हें फटाफट वटे वटे करो। आपकी आवाज को कहीं भेगी हो? वो क्या है कि सवेरे मैंने खट्टा खा लिया था तो मेरी आवाज बच्चन साहब जैसी हो गई। पर आप क्या कर रहे हो? वो मेरा मोबाइल कहीं खो गया था, मैं वही ढूंढ रहा था। अरे बहन जी रहने दीजिए ना, आप मुझे मेरा बैग दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। अरे पर ऐसे कैसे, इतनी दूर से आप पता रहे हो, मेरे हेड पेंट से तो मिल के जाओ। अरे अरे सुनिए, मैं तो मोबाइल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ये मेरे सर के अंदर अटक गया। लाओ जाओ निकाल देते। अरे तुम रहने दो ना, मैं मम्मी जी से कह के निकलवा लूंगा। अरे अरे आप छोड़िए, आप छोड़िए, आप ये पकड़िए, आप इधर आइए, मैं निकालने की कोशिश करती हूँ। अरे रहने दीजिए ना, मैं मम्मी जी से कह के निकलवाता हूँ। अरे भाई साहब आप क्यों अपनी भाई साहब क्या हुआ कहीं नहीं गयो क्या? कि जब भी कोई लड़की मुझे भाई साहब कहती है ना तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है, जैसे मर्डर, एक्सीडेंट, टॉर्चर, किडनैप। आप चाहती है आपके साथ ऐसा कुछ हो? नहीं भाई साहब, आई मीन नो भाई साहब, आई मीन व्हाटएवर। आप पहले ये घड़ा तो निकालिए फिर सर से। एक अरे ये नहीं निकल रहा है। अरे एक मिनट, आप इधर आइए, लेट्स डू इट। वन, हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए। वन टू थ्री। एक मिनट, जिस तरह से तुम लोग घसीट रहे हो ना उस तरह से मेरा सर मेरे धड़ से अलग हो जाएगा। मैंने कहा ना मैं अपनी मम्मी जी से निकलवाऊंगा तो मम्मी जी से निकलवाऊंगा। मम्मी जी कोशिश तो करने दीजिए। ओह माय गॉड। वैसे एक बात कहूं, आपके पति भी ना बिल्कुल मेरी पति जैसे हैं। क्या? उनके साथ भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, अजीबोगरीब हादसे होते रहते हैं। वैसे आई एम सो सॉरी, पता नहीं हमारे बैग्स कैसे एक्सचेंज हो गए। आई एम सो सॉरी। हां मैंने भी पता ही नहीं चालियो कि मारा बैग अटे वटे कसकर चला गया। अटे वटे मतलब? अटे वटे मतलब एक्सचेंज। ओ यू मीन एक्सचेंज। हां वही वही। वो क्या है ना, आप जैसी सहेली मिल जाए ना तो मेरी भी इंग्लिश फर्स्ट क्लास सीख जाऊंगी। ऑफ कोर्स। वो एक बात को, अपनी जो थैलियां थी वो जल गई। क्या मतलब थैलियां जल गई है? वो कपड़े तो ऐसे के वैसे ही है, इसलिए मैं लाती हूँ दूसरी थैली में डाल के। तो आप ठीक ठाक से चेक कर लेना, क्योंकि वो थैली मैंने दूसरी थैली में आपके कपड़े डाल दिए। हाँ नहीं नहीं बहन जी, अब इसमें चेक क्या करना, एज फार एज मुझे मेरा सामान सही सलामत मिल जाए बस वो ही बहुत बड़ी बात है। सिमरन भाई आप एक बार देख लीजिएगा बराबर है कि नहीं। आप मेरा सामान तो लेके आइए। ठीक है, मैं अपना बैग लेके जाती हूँ और आपका बैग अभी ले ही आऊँ। मेरा बैग लेके आइए आप, अटे जी जो ले ही नहीं। हाँ जी हाँ जी। Oh my God! Oh, thank you so much. So, shall I take a leave? वो तो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो सिर्फ चाय, बेसन का लड्डू। नहीं 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 बहन जी, मेरा कहने का ये मतलब है, क्या मैं चलूँ? ऐसे कैसे जाएंगी आप? कुछ दाल बाटी, दाल चूरमा, बेसन के लड्डू, ये सब खा के जाइए ना। नहीं बहन जी, next time for sure. अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरे घर आए ना मुझे बहुत खुशी हुई, और अटे वटे करने के लिए धन्यवाद। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके वेल, एनीवेज नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय। बच गए विशाल, अगर सिमरन ने तुझे कहीं देख लिया होता तो तेरी शामत आ जाती। अरे ये निकल क्यों?